क्या आपको भी मेरी तरह रात में वॉक करना अच्छा लगता है, स्पेशली इन योर होम गार्डन? इफ येस, देन दिस वीडियो इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वन फॉर यू, बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कि दिन में तो आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते ही हैं, बट रात में ही आपके गार्डन को और भी खूबसूरत बनाते हैं, बिकॉज दीज आर द नाइट प्लांट्स। तो अगर बात हो रही है नाइट प्लांट्स की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रात की रानी से। तो ये मेरा रात रानी का प्लांट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रात का ही वीडियो मैंने बनाया है ये दिखाने के लिए कि रात रानी के फूल जब रात में खिल जाते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। और सिर्फ ये दिखने में नहीं बल्कि इनकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी सूदिंग होती है। एंड अगर आपने अपने गार्डन में रात रानी का प्लांट लगाया है तो आपका पूरा गार्डन रात रानी के फूलों की खुशबू से महक जाएगा जब वो खिलना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दीज आर द सीजनल फ्लावर्स, तो जैसे ही इनका सीजन आता है तब इसमें खूब सारे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी इसका सीजन चल रहा है एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन माय रात रानी प्लांट। एंड वन मोर थिंग कि ये काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, आप इसको जितना स्पेस देंगे वो उतना अच्छे से फैल के ग्रो करता है। एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो बिग प्लांट, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है मेरे गार्डन में। सो जब मैं रात में वॉक करती हूँ अपने गार्डन में एंड जब ये सारे खूबसूरत फ्लावर्स देखने को मुझे मिलते हैं तो मेरी वॉक और रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग हो जाती है, बिकॉज इट एक्चुअली इन्हांसेस द ब्यूटी ऑफ माई गार्डन। एंड रात में भी फ्लावर्स देखने को मिलते हैं एंड आई जस्ट लव फ्लावर्स, ऑल टाइप ऑफ फ्लावर्स, स्पेशली अगर उनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी हो तो। So if you are also looking for some night plants, I will highly recommend this ratrani plant to you, कि आप अपने garden में या अपने terrace पे या फिर अपनी balcony में एक ratrani का plant लगा सकते हैं। जैसे ही इसका season आएगा it will start blooming and इसकी वजह से आपका garden area और आपकी balcony, आपका terrace फूलों और उसकी खुशबू से भर जाएगा। So I highly recommend this plant. Second up we have madhu kamini plant. तो ये भी एक नाइट प्लांट की तरह ही होता है क्योंकि इसके भी फ्लावर्स नाइट में ही खिलते हैं। ऑल्दो ये आपको दिन में भी देखने को मिल जाएंगे बट इसकी जो ब्लूमिंग होती है वो नाइट टाइम में ही ज़्यादा होती है। एंड एज यू कैन सी ये ग्रुप में ही ब्लूम करते हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरा पेड़ फ्लावर्स से भर जाता है, फ्लावर्स की खुशबू से भर जाता है। सो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वंडरफुल फ्रेग्रेंस एंड इसकी वजह से ही मैंने इसको अपने गार्डन के स्टार्टिंग में ही लगाया है, सो दैट जैसे ही मैं अपने गार्डन में एंटर करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, स्पेशली इन द नाइट जब ये फ्लावर्स खिलते हैं। सो मधुकामनी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट इन माई गार्डन इन डीड, बिकॉज ये रात में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है एंड आई जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर। ये काफ़ी स्ट्रेट प्लांट होता है, इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती एंड ये इतना घना होता है और फिर भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसकी कटिंग करना भी बहुत ईजी है एंड आप इसको किसी भी शेप में डाल सकते हो। एंड एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। So again, if you are looking for some night plants, you can also add this Madhu Kamini plant in your list. So third up, we have snake plant. Well, वैसे तो मैंने इन तीनों plants का एक separate video भी अलग से बना रखा है जिसमें आपको इन plants के benefits and बहुत सारे facts जानने को मिलेंगे, बट सिंस इस वीडियो में मैं नाइट प्लांट्स का जिक्र कर रही हूँ तो स्नेक प्लांट कैसे पीछे रह सकता है, बिकॉज स्नेक प्लांट इज अ प्लांट विच एक्चुअली रिलीजेज ऑक्सीजन इन द नाइट एज वेल। ये काफ़ी अच्छा प्लांट माना जाता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट। इसको मेंटेन रखने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यू कैन ईजिली पुट इट इनडोर आउटडोर। आपको बाहर रखना है आप बाहर रख सकते हो, अंदर रखना है अंदर रख सकते हो। ये रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है तो आप घर के अंदर भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। इट इज़ कॉमनली यूज एज अ डेकोरेटिव प्लांट्स, तो इसको लोग ऑफिस में भी लगाते हैं, अपने केबिन्स में एंड कैफेज में, हर जगह इसका यूज़ होता है बिकॉज इट्स अ लो मेंटेनेंस प्लांट। इसको इतना सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती एंड ये ऑक्सीजन भी देता है, तो इस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं एंड इट ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। सो दिस इज द थर्ड प्लांट इन माई लिस्ट ऑफ नाइट प्लांट्स। सो
Anyways, if you're looking for night or day plant, you can always add the snake plant in your list because it's a highly recommended plant from my side. So guys, this is the three night plants which I will recommend you if you are looking for some night plant stuff. And iske alawa bhi kafi sare night plants ke option hote hain, like parijat tree, and there are so many more jo aap option mein rakh sakte ho if you are looking for some night plant and if you want to decorate your garden. So guys, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था that उनको plants ढूंढने में कभी कभी difficulty होती है. So I just wanted to let you know कि आपको Amazon पे कोई भी plant मिल सकता है easily if they are in stock, तो आप अपने Amazon पे जाके check कर सकते हो. And मैं जब भी जिस भी plant का जिक्र करती हूँ अपने videos में, I just try to place a link in the description so that अगर आपको online भी plant order करना है तो आप उस plant को order कर सकते हो online मेरे description में जाके. So guys, I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. So do not forget to subscribe to my channel, hit the bell icon and press the like button. Because आपके likes से, आपके comments से मुझे काफ़ी motivation मिलता है. And you can also follow me on Instagram and Facebook, क्योंकि मैं अपने Instagram पे काफ़ी active रहती हूँ. And I keep on sharing tips related to planting on my Instagram account. So do not forget to follow me out there. You can find the link in the description. Guys, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye.